कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का हमारा मुद्दा है मंडल भी कमंडल भी। मंडल और कमंडल की लड़ाई पिछले 3 दशक से लगातार चली आ रही है। दोनों में आपसी बैर था और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, यानी कि एक तरफ मंडल की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो दूसरे तरफ कमंडल की लड़ाई लड़ी जा रही थी। लेकिन कहते हैं ना फिलॉसफी की हर किसी की अपनी एक उम्र होती है, तो अपनी फिलॉसफी की भी एक उम्र होती है, उसके बाद वो फिलॉसफी अपना नया रूप धारण कर लेती है। हम 3 दशक की फिलॉसफी की बात करें, पिछले 3 दशकों की बात करें तो माई कॉम्बिनेशन चला आ रहा था, तो दूसरी तरफ कमंडल की राजनीति चल रही थी। लेकिन अब इसने जो झगड़ा चल रहा था मंडल और कमंडल का, दोनों अब एक साथ जुड़ गए हैं, दोनों की लड़ाई समाप्त हो गई है। यानी कि अब कमंडल चाहने वाले मंडल की तरफ जा रहे हैं और मंडल की राजनीति करने वाले कमंडल की ओर दौड़ रहे हैं। मामला बराबर हो गया है, दोनों के पास को भी अब मंडल भी चाहिए और कमंडल भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जहां पहले कमंडल की राजनीति करती थी, लेकिन अब वो जातिवार सम्मेलन करके कमंडल की राजनीति भी कर रही है। यानी कि मंडल तो चली कमंडल चली रहा है, साथ साथ में मंडल पर भी जोर है। तो उधर दूसरी जो विपक्षी पार्टियां थी जो अब तक मंडल का दम भर रही थी, जो मंडल आंदोलन से निकली थी, उन लोगों को लगा कि अब समय आ गया है, क्योंकि 2014 से जिस तरह से उन्हें लगातार मात मिल रही है तो उन्हें लगा कि अब फिलॉसफी बदलने का समय आ गया है। तो उन्होंने मंडल को छोड़ करके, मंडल को यूं कह सकते हैं कि मंडल के साथ साथ में अब कमंडल को भी लपक लिया है, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा है कि बिना कमंडल के काम नहीं चलने वाला है। बानगी देखिए, अखिलेश यादव की बात करें तो वो सभी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, कृष्ण भगवान की मूर्तियां लगा रहे हैं और परशुराम की मूर्तियां भी लगवा रहे हैं। मायावती जो अपने आप को बौद्ध बताती थी, उनके हाथ में त्रिशूल आ गया है। 2007 में ये फार्मूला क्या हिट हुआ कि अब वो उनका सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन ही मंदिर अयोध्या से शुरू हो रहा है और मंदिर बनवाने की बात करने लगी हैं। जो कांशीराम कभी मंदिर का विरोध करते थे, मंडल की राजनीति करते थे, अब वही बहुजन समाज पार्टी अब कमंडल की ओर अग्रसर हो चली है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं है और अब वो भी, चाहे राहुल हो या प्रियंका हो, वो सब कभी कोई मंदिर जा रहे हैं, कभी कोई हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, कभी शंकर जी के मंदिर जाते हैं, कभी वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा भी कर रहे हैं, प्रियंका भी हनुमान जी के मंदिर जा रही है। यानी कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने अब मंडल और कमंडल दोनों को साथ लेकर चलने का ऐलान कर दिया है, इरादा जता दिया है। अब दोनों साथ कौन पाएगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको बता देते हैं कि दरअसल ये मंडल और कमंडल दोनों करीब क्यों आए, कैसे आए और इसका कितना पड़ेगा प्रभाव। मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के 31 साल पूरे होने पर शनिवार को यूपी में समाजवादी पार्टी ने मंडल दिवस मनाया था। 1990 में तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट देश भर में लागू की थी, जिसने यूपी की राजनीति में मंडल बनाम कमंडल का नैरेटिव सेट किया और यूपी के राजनीतिक मंच पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। सपा ने आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों के साथ मंडल दिवस मनाया, जिसे सपा की ओबीसी समुदाय को एकजुट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे 2 दिन पहले ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पिछड़ा समुदाय पॉलिटिक्स का कार्ड खेलते हुए ओबीसी समाज की अलग से जनगणना की मांग की थी।
उन्होंने यहां तक कहा है कि इसके लिए वो बीजेपी को संसद के अंदर और बाहर भी समर्थन देने को तैयार हैं। यूपी में जब चुनाव होने में चंद महीनों का ही वक्त बचा है, ऐसे में इन दो घटनाक्रम का अहम राजनीतिक महत्व है। इसके बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मंडल राजनीति के जरिए विपक्ष बीजेपी के खिलाफ पिछड़ों को खुद से जोड़ने की कवायद कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो मौजूदा समय में मंडल की राजनीति करने वाले कमंडल और कमंडल की राजनीति करने वाले मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर समाजवादी पार्टी का कहना है कि सपा सबको साथ लेकर चलती है, तो कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ने कभी मंडल कमंडल की राजनीति नहीं की। वहीं भाजपा का कहना है कि जो मंदिर नहीं जाते थे उनमें मंदिर जाने में होड़ लगी हुई है, ये भाजपा की जीत है। वहीं आम आदमी पार्टी भी 2022 के चुनावों को लेकर कार्ड खेलने की तैयारी में है। देश ही नहीं प्रदेश में अब मंडल कमंडल की जो राजनीति चल रही थी उसमें कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव को लेकर, तो जो सियासी दल जो कमंडल की बात करते थे वो अब मंडल की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो मंडल की बात करते थे वो कमंडल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, इस समय क्या देखते हैं राजनीति में, कुछ परिवर्तन दिख रहा है? राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति झूठ बोलने वालों के खिलाफ तैयारी कर चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा मन बना चुकी है कि जिस तरीके से इन लोगों ने 2 करोड़ नौकरियों का हर साल वादा किया, 75 लाख नौकरियों का हर साल वादा किया, उसको पूरा नहीं किया, अब वक्त आ गया है उसका जवाब मांगने का। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने का आदेश, मुझे लगता है 10-20-30 बार तो हो ही चुका होगा, आज तक नहीं हुआ, अभी फिर आदेश है 15 अक्टूबर तक के होने का। इस बार भी मेरा चैलेंज है कि नहीं होगा, जैसे पहले के नहीं हुए, इन्होंने कोई वादा अपना पूरा किया, ये भी पूरा नहीं होना। जनता आज इस पे सवाल पूछ रही है कि भाई अगर मुख्यमंत्री के कहने पे, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री के कहने पे अगर गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये लोग सच नहीं बोलते। आज उत्तर प्रदेश ये सवाल पूछ रहा है कि जो महंगाई का हद पहुंच गई है, पेट्रोल और डीजल आसमान छू रहे हैं, हमारे सब्जियां महंगी हो गई है, खाने का तेल 80 रुपए से 200 रुपए हो गया, पेट्रोल और डीजल 100-125 रुपए पहुंच रहे हैं, हमारी जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, 15 करोड़ नौकरियां आपने देखा होगा किस तरीके से लॉस हुई, 1.5 करोड़ नौकरियां अभी सिर्फ 1.5 करोड़ नौकरियां आपकी सिर्फ अगस्त के महीने में लॉस हुई है। तो ये पूरी तरीके से फेल है, राजनीति में बड़ा बदलाव है। उत्तर प्रदेश मन बना रहा है भारतीय जनता पार्टी को उनके झूठ बोलने की सजा देने का। जी बिल्कुल, ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा जी। इन्होंने साफ तौर से कहा कि 22 में ये सरकार हटने वाली है। वहीं अगर बात करें मंडल कमंडल की राजनीति को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि समाजवादी पार्टी सबको एक साथ लेकर चलती है। लखनऊ से मानस के साथ चंद्रमणि शुक्ला, के न्यूज। अपना तरीका अलग अलग है वही सब। भाजपा जो पहले थी वही आज भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। हाँ, दिखावा कोई भी करे, और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी का सवाल है, तो मैं और मेरी पार्टी हमेशा जातिवादी राजनीति से हमेशा दूर रहे हैं, और बल्कि उससे हमेशा हम चिढ़ते रहे हैं, हमने कभी पसंद नहीं किया है। तो है वही स्वरूप, चाहे भाजपा हो या दूसरी पार्टियां हो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, सबके विकास, सबके विश्वास और सबके विकास की राजनीति करती है। ये अवश्य है कि जो राजनीतिक दल केवल मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, या जो राजनीतिक दल केवल जात पात की गुड़ागणित की राजनीति करते थे, उन सबको आज मंदिर पे भगवान रामलला का नाम लेने से जो लोग घबराते थे, अयोध्या जाने से जो लोग कतराते थे, वो आज सब उनमें होड़ लगी है कि वो जाके रामलला के, भगवान रामलला के मंदिर पे मत्था टेके।
बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में हर वर्ग के वोटर्स को साधने की कोशिश में है। पार्टी मिशन 2022 को पूरा करने के लिए मंडल और कमंडल को साधने की कोशिश में जुट गई हैं। दलों में कमंडल को साधने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के आयोजन हो रहे हैं, तो वहीं मंडल के लिए पिछड़ा वर्ग सम्मेलन। अब देखना यह है कि किस पार्टी को इसका कितना लाभ मिलेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, मंडल और कमंडल में अब मेल हो गया है, मेल मिलाप बढ़ गया है और दोनों पार्टियां, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, सब अब इसमें घालमेल करने लगी। दोनों को उन्होंने मिला दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। कपीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ गए हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है कपीश जी आपका। जावेद अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं। जावेद साहब आपका भी बहुत स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से यहाँ पर वंशराज दुबे भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंशराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है रमेश ठाकुर जी। और सीधा रुख करेंगे कपीश जी का। कपीश जी, क्या मैं गलत कर रहा हूँ कि मंडल भी चाहिए और कमंडल भी चाहिए? अब सारी राजनीतिक पार्टियां दोनों तरफ ही जा रही हैं। प्रदीप जी, सबसे पहली चीज तो हम ये कहेंगे ना, मंडल और कमंडल इसको इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। हम तो सीधी लड़ाई लड़ते हैं अपने नागरिकों के हक और हुकूक की, और जिसके ऊपर डाका डालेगी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसके विरुद्ध खड़े हैं। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम उनके अपॉइंटमेंट के लिए अपनी नीतियां बनाएंगे और काम करेंगे। बात इस चीज की है कि इसको स्वीकार करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने कभी धर्म और जाति की राजनीति की ही नहीं। हमने हमेशा अगर काम किया तो काम बोलता है के नाम पे चुनाव में भी गए। और जो हमने अपनी सरकारों के बीच में हमारी जब सरकारें स्थापित हुई उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो हमने विकास का मॉडल पेश किया, उसका कोई सानी नहीं है। और 2012 से 2017 में जो हमने काम किया उसी का फीता आज काट रहे हैं। इनके पास अपना कोई सपना नहीं था, जिसको इन्होंने देखा हो उसका शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर सबकी पार्टी है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो और किसी भी भाषा भाषाई की हो, किसी भी वर्ग की हो। एक बात हम निश्चित तौर पे कहेंगे, जो हमारे लिए नैरेटिव गढ़े गए आज वो नैरेटिव भ्रष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए लोगों को ऐसा लगता है जैसा कि आपने कथन किया। लेकिन हकीकत यही है कि वो नैरेटिव था, और हमने चार बार यहाँ सरकार बना करके प्रूफ किया है कि हम सबका वोट पाए हैं और सबके लिए विकास परक सरकार दी। कपीश जी, आज मुझे बड़ी थोड़ी हैरानी हो रही है और थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और के प्रवक्ता, खासकर आप तो एकदम सच बोलते हैं, लेकिन आप भी दूसरी पार्टियों की तरह बोलना शुरू कर दिया कि हम कभी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते हैं। भाई, जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति कौन इनकार कर सकता है? आप लोग जब इस तरह से इनकार करते हैं ना, करोड़ों लोगों के मन में बड़ा अजीब सा बेचैनी हो जाती है। खैर, दोबारा से आएंगे आपके पास में। जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? आप भी मंडल से करते करते और आप कमंडल की ओर बढ़ गए हैं। राहुल गांधी भी मंदिर बहुत समय से जा रहे हैं, गुजरात से शुरू किया था उन्होंने, और अब प्रियंका भी जाने लगी हैं हनुमान जी के मंदिर, टीका वीका लगवाने लगी हैं। देखिए प्रदीप जी, किसी की धार्मिक आस्था है, उस आस्था को अगर राजनीति से जोड़कर बात की जाएगी तो फिर स्वाभाविक रूप से जो हमारी भारतीय सभ्यता है, लोगों की आस्था है, उस पर एक तरीके से प्रहार हो जाएगा। क्या ये तो वही बात हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या उसका अंधभक्त है वही मंदिर जा सकता है, वही धर्म स्थलों पर जा सकता है। क्या उन्होंने इसका पेटेंट करा लिया है क्या? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक मंडल और कमंडल की बात, कांग्रेस पूरी तरीके से सर्वसमावेशी विकास और उसकी राजनीति पर भरोसा करती है। कांग्रेस ने सांप्रदायिक या जाति उन्माद के सहारे कोई राजनीति नहीं की है, उसने देश के नव निर्माण के लिए, देश के लोगों के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस ने सदैव काम किया। लेकिन जो लोग बड़ा दावा करते हैं मंडल कमीशन के नाम पर, जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं, वो उस समय कहाँ थे 1989 के बाद से लेकर आज तक?
जिन्होंने पिछड़ों के अधिकारों पर डाका डाला, जिन्होंने दलितों के अधिकारों पर डाका डाला, जिन्होंने सवर्णों में भी जो निर्धन वर्ग था उसके अधिकारों पर डाका डाला और उसके वोट की लूट करते रहे। आप देखिए लिटरल एंट्री के नाम पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा विकास का दावा करती है, पिछड़ों के अधिकार और हुकूक की बात कर रही है। मंत्रियों की गिनती इस देश में पहली बार कराई गई कि ये पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं। महिला मंत्रियों की भी परिचय इस अंदाज में कराया गया और क्या कहा गया, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री हैं कि जाइए अब आप लोग शपथ के बाद जाइए आप लोग दिल्ली हाट में शॉपिंग कीजिए और चाट बतासा खाइए, ये क्या परंपरा रही है। आप जो लोग मंडल का विरोध करते रहे, जिन लोगों ने आरक्षण का विरोध किया, जिन लोगों ने बाबा साहब के बनाए संविधान को चुनौती देने का काम किया, वो लोग आजकल मंडल हितैषी हो गए और इस अंदाज में हो गए कि लिटरल एंट्री के नाम पर किन लोगों की भर्तियां हो रही हैं, सहायक शिक्षक भर्ती हो या कोई भी भर्ती हो, पिछड़े वर्ग के अधिकारों को किस तरीके से इन लोगों ने कुचलने का काम किया, जिनका राष्ट्रवाद संकुचित होकर सांप्रदायवाद में बदल जाए, वह लोग ना तो मंडल के हो सकते हैं ना कमंडल के हो सकते हैं। सच बात यह है कि यह लोग खड़मंडलवादी लोग हैं जिनको देश में अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करके केवल सत्ता में बने। बिल्कुल ठीक, आपने ठीक कहा कि मंडल नहीं खड़मंडलवादी लोग हैं। ठीक है, जब तक बात हो गई आपकी, वंशराज जी आप क्या कहोगे भाई कि राजनीति में अब, हालांकि आपकी तो नई पार्टी है लेकिन केजरीवाल जी जिस तरह से हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं, मनीष सिसोदिया अयोध्या में रामलला के दर्शन कर रहे हैं, तो ये क्या घालमेल है, क्या अब ये एक नए प्रकार की फिलॉसफी है कि मंडल और कमंडल का घालमेल हो गया है? देखिए प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में, आम आदमी पार्टी के कार्यों में और आम आदमी पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मंडल और कमंडल दोनों की बात कर रही है सिर्फ दिखावे के रूप में, इस बात को आप समझिए कि भाजपा जब कमंडल की बात करती है और प्रभु श्री राम जी के नाम पर पूरे देश में चंदा इकट्ठा करती है तो आपने देखा कि किस तरीके से 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट में इन भाजपाइयों ने चंदा चोरी करके उसको 18 करोड़ में बेच दिया, यानी 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। दूसरा आपने देखा कि इसी सरकार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। कुंभ मेले के आयोजन में 32 ट्रैक्टर खरीदे गए जिसमें 4 रजिस्ट्रेशन ऐसा हुआ जो मोपेट के नाम पे था, मोटरसाइकिल के नाम पे था, कार के नाम पे था, टेंट के नाम पे, पाइप के नाम पे, पानी के नाम पे मोटा घोटाला हुआ। और ये कोई वंशराज दुबे आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये भारत सरकार की भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में बैठी हुई है सीएजी की रिपोर्ट है कि सबसे बड़ा घोटाला इस सरकार में हुआ तो कुंभ मेले के नाम पे हुआ। तो इसका मतलब कि ये कमंडल के तो कतई नहीं है, ये प्रभु के नाम पे, धर्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। दूसरा देखिए पूरा तो है ना, नहीं मैं कमंडल की बात कर लिया, मंडल पे आ जाता हूं। दूसरा आपने देखा कि 2012 के बाद से लगातार भाजपा ने जिसको भी उत्तर प्रदेश में चेहरा बनाया ओबीसी समाज का, एससी समाज का, उनके साथ किस तरीके से छलावा किया। और वो दरअसल एक मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की कि किस तरीके से पिछड़ा विरोधी और दलित विरोधी है। ये एक फोटो आपने देखी थी, एक फोटो आई थी जिसमें डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी बैठे हैं एक तरफ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक तरफ बैठे हैं, वीवीआईपी कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन बीच में केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी को स्टूल दे दिया कि भैया आप स्टूल संभालो। दूसरा आपने देखा कि राम प्रभु श्री राम जी का जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, प्रधानमंत्री जी गए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गए थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया गई थी, लेकिन देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि पीछे उसकी एक मानसिकता थी इसलिए नहीं बुलाया गया। नहीं, दूसरा ठीक है, पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य, आपका समय समाप्त हो गया, 30 सेकंड आपको, पिछड़े समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य जी को टेंट में बिठाया गया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता दिखती है कि आप दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी मानसिकता के आप लोग। ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल मेरा ये है, आप देर से जुड़े हैं, सवाल मेरा ये है कि अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या सारी विपक्ष की पार्टियां हो, वो मंडल के साथ कमंडल को भी साथ में लेकर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी कमंडल के साथ में मंडल का भी मेलजोल करा रही है।
सारे लोग अपनी अपनी बातें करें, बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज सारे लोग उसी बात पे चर्चा कर रहे हैं जिस बात को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय की एक भावना को लेकर चले थे, जिस विचारधारा को लेकर चले थे कि देश का अंतिम व्यक्ति, देश का सबसे दबा कुचला व्यक्ति, वो व्यक्ति जो शोषित है, वंचित है। अंत्योदय की बात नहीं हो रही कृष्ण मोहन पांडे जी, यहाँ पर कोई अंत्योदय की बात ही नहीं कर रहा है। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, रही बात कमंडल की, तो हम उसके समर्थक रहे हैं शुरू से, जो इस देश का दबा कुचला है, जो भी पिछड़ा है, उसका उसका हक मिलना चाहिए। और हम जब से हमारा हमारी विचारधारा विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग हैं कि जब से हमारी पार्टी बनी है, हमने जब हमारी जिस विचारधारा को लेकर चलते हैं, वो दबे कुचले लोगों के हिस्सेदारी की बात करती है, उनके आगे लेके आने की बात करती है। हम तो कमंडल, ये कमंडल शब्द तो 90-80 में आया है, उसके पूर्व से लेके हम चलते आ रहे हैं कि देश का सबसे जो पिछड़ा वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसकी हिस्सेदारी मिलने चाहिए। और उसकी वकालत हम करते रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, जो समय समय पर जब कोई मांग उठती है और ये इनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी नीट का है। नीट के एग्जाम में जो आरक्षण हमने दिया है वो इसी का एक रूप है। और दूसरी बात रही कमंडल की, तो हमारी विचारधारा है, और जिन लोगों को ये मंडल आयोग की रिपोर्ट का ये लाभ देकर छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां अभी तक मलाई चाटती रही, वो आज भी कल भी इस कमंडल के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और आज भी हैं। और देख, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जितने भी लोग देश के राजनीतिक दल हैं, वो सारे घूम घूम के आज उसी कमंडल, जो कमंडल का नारा लगाते थे कि कमंडल उठा के फेंक दिया जाएगा, आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, माला पहन रहे हैं, अवतार पार्टियां बंद हो गई। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, बात आपकी हो गई, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि फिलोसफी अब चेंज हो गई है, मंडल और कमंडल का मेल मिलाप हो गया है। रमेश ठाकुर जी का रुख करेंगे। रमेश ठाकुर जी, क्या आपको लग रहा है कि ये एक नई तरह की फिलॉसफी है, अब सारी राजनीतिक पार्टियां, ये कृष्ण मोहन पांडे जी सही कह रहे हैं, ये उन्हीं की वजह से है कि अब मंडल चाहने वाली पार्टियां भी कमंडल की ओर दौड़ रही हैं, और भारत और ये विपक्ष का दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कमंडल के साथ साथ में मंडल को लपकने की कोशिश कर रही है। देखिए प्रदीप जी, मुझे लगता है इसके पर्दे के पीछे की स्थिति को हमें समझने की जरूरत है कि ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पास क्यों आई कि उनको मंडल कमंडल सबको एक साथ में समेटना है। अब यहाँ पैनल में बैठे आम आदमी के हमारे मित्र को छोड़ के और बाकी जितने लोग हैं, सबकी पार्टियां सबके सरकारें बनाई हैं, सरकार में रहे हैं। अब ये चीजें पहले भी हो सकती थी और बहुत पहले चीजें सुलझाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उस समय क्यों होता है जब सरकार का कार्यकाल खत्म होता है, 4-5 महीने जो सरकारों को रह जाते हैं, उस समय ओबीसी याद आता है इनको, मंडल कमंडल समंडल जितने भी, ये सब याद आता है। इस चुनाव से पहले तो हम 2017 की अगर बात करें तो बीजेपी के पास वही गाय गोबर मंदिर वगैरह ये था, इसके अलावा कुछ नहीं था। वो चीजें मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से समेटा है, रिसॉल्व किया है, लेकिन अब उनके पास क्या बचता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, जब जैसे हमने समाजवादी पार्टियों की लगभग 4-5 महीने से जो रैलियां देख रही हैं, तो ग्राउंड जीरो की अगर बात करो तो उनकी रैलियों में जो जनता का जुड़ाव है बहुत अच्छी तरीके से हो रहा, जनता जुड़ रही है उसमें। ये चीज को लेके भाजपा के अंदर खलबली है, दूसरी पार्टियों के अंदर खलबली है। अब नई पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी को अगर हम कहें, वो किसी भी जिलों में जब संजय सिंह जा रहे हैं तो उनकी पार्टियों में जुड़ाव हो रहा है। नई पार्टी के साथ में जब कोई जुड़ाव होता है, लाखों की हजारों की संख्या जब आ जाती है, तो ये स्थिति साफ कहलाती है कि जो मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट है उससे कहीं ना कहीं जनता नाखुश है, उनसे परेशान है। अब मुझे लग रहा है कपीस भाई साहब बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के पास बहुत अच्छा मौका है और पार्टियों के पास बहुत अच्छा मौका था, इनका थिंक टैंकर जो है वो मुझे लग रहा कहीं ना कहीं कमजोर लग रहा है। इनको मुझे लग रहा मंडल कमंडल इन लोगों इन चीजों से इनको थोड़ा सा जुदा होना चाहिए, उनसे उनके पास तलक नहीं जाना चाहिए। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, आज मिर्जापुर में लॉ एंड ऑर्डर के अगर बात आ जाए तो जो एक आम आदमी से जुड़ा होता है, सुरक्षा रक्षा सबको चाहिए। ठीक है रमेश जी, मिर्जापुर में जी आपने बहुत शानदार तरीके से विश्लेषित किया, दोबारा से आऊंगा आपके पास में, समय कम है, वापस आऊंगा। कृष्ण मोहन पांडे जी कुछ जवाब देना चाह रहे थे। हाँ कृष्ण मोहन पांडे जी, अपनी बात रख लीजिए। जी मैं एक बार सबको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कभी भी
मंडल और कमंडल के पीछे नहीं भागती है, हम विकासवादी व्यवस्था के पीछे भागते हैं और विकास करने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था को उच्चतम। मोहन पांडे जी, ये बात मैं अभी कपीश श्रीवास्तव जी को समझा चुका हूँ। आप लोग जब राजनीतिक पार्टी के लोग जब ये बात कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जाति की राजनीति नहीं करते हैं, तो पूरी दुनिया हंसती है। मुझे समझ ही नहीं आता कि आप लोग उसके बावजूद भी ऐसी बातें क्यों करते हैं। क्या कोई राजनीतिक पार्टी बिना धर्म के, बिना जाति के राजनीति कर सकती है? जातिवादी राजनीति इस देश की सबसे सच्ची राजनीति है, इसको स्वीकार करने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उनके आगे लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हम व्यवस्था को आगे करेंगे, जो भी कुछ होगा। कृष्ण मोहन पांडे जी, आप कहां चले जा रहे हैं? कृष्ण मोहन पांडे जी, सवाल वो है ही नहीं। मैंने आपको रोका, मैंने आपको टोका कि यहाँ पर अंत्योदय की बात हो ही नहीं रही है, बात यहाँ पर मंडल और कमंडल की हो रही है। कोई भी किसी भी राजनीतिक, कोई राजनीतिक पार्टी ये नहीं कह रहा कि हम अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला रहे। आजादी के 75 साल हो गए हैं, 40 करोड़ लोग अभी भी खाना नहीं मिलता है उनको, उनके लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। कौन की मुस्कान गायब है? दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो समाज का सबसे दबा भंग व्यक्ति है, कुचला व्यक्ति है, जो वंचित व्यक्ति है। अरे भाई, पंडित दीनदयाल ने, उपाध्याय जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, और हेगड़े वाघ ने ये कहा था, तमाम लोगों ने तमाम चीजें कही थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आई क्यों नहीं? आखिर आप मुझे अपने ही मुद्दे पर खींच लाए। बात यहां पर ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अब आप भी मजबूर हो गए हैं कमंडल के साथ साथ में मंडल की राजनीति करने को। क्या ये सही है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, हमने, हम देखिए, ये जब आप इसके इतिहास को, इस उभार को देखेंगे, मंडल आयोग के जब उभार को देखेंगे, उससे पहले हम इसकी मुखालफत करते रहे हैं कि जो दबंगा दबा कुचला समाज है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। मंडल आयोग तो 80 में आता है, मंडल का विरोध कर रहे थे, उसी मंडल को आपने अडॉप्ट कर लिया है। सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का अधिकार क्यों हड़प गए? वो तो वंचित लोग थे ना, आपने तो अपने ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया, सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। मैं आपको पूरा मौका दूंगा सवाल पूछने का। कृष्ण मोहन पांडे जी, मेरा सवाल आपसे यही है, 1989 से पहले जिस मंडल की आप लोग मुखालफत करते थे, वही उसी मंडल को आपने अपने गले से लगा लिया, क्यों? हम तो दबे कुचले समाज के बारे में सदैव बात करते रहे हैं, उनके अधिकारों की सदैव बात करते रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। का विरोध क्यों किया था आपने? जब तक उनका तो मंडल का विरोध क्यों किया था आपने? तब तक हम ये काम करते रहेंगे। आप ही ने कहा कि नवासी में आपने मंडल का विरोध किया। विरोध किया ये कांग्रेस, नवासी 68 में ये आता है, आपको पता ही नहीं है कुछ, और आप उस सरकार में लिखा हुआ क्यों पाते हो? आपको जो है शर्मिंदगी उठानी पड़े, 68 में बना था, वाह भाई वाह, 78 में बना। और अरे क्या बात करते हैं साहब, मंत्री थे, ठीक है, लाल कृष्ण उनके अधिकारों को उनका अधिकार दिया गया, इसके लिए 68 में पहली बार बात शुरू होती है। सरकार में मंत्री थे, आपको पता नहीं? अरे ये लिखे पड़े, आपकी ही मंत्री है, इंदिरा के बाद नेहरू की किताब में आप लिखते हैं, क्यों आप शर्मिंदा हो रहे हैं? अरे भैया, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है कि भारत में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लगने के बाद सबसे ज्यादा उत्पात मचाया, भारतीय जनता पार्टी ने मचाया था। अरे मुंजे और सावरकर की जो थ्योरी है साहब, जब 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 मंडल आयोग आ गया, मंडल ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उसके बाद से लेके और नाभि तक किसने दबा कर रखा? आपको यही नहीं ज्ञान कि मंडल कमीशन बना कब, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई? मैं मंडल कमीशन की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा। यहाँ आ गए भाजपा की तरफ से जवाब देने, जब बात ज्ञान है नहीं, पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। साहब, आयोग बनाने की बात कब आई? छोटा सा ब्रेक लेंगे भाई। जावेद साहब,
ब्रेक पर जाना पड़ेगा, मजबूरी है। कृष्ण मोहन जी आपको भी पूरा मौका दूंगा, और सारी राजनीतिक पार्टियां जो अभी तक राजनीति कर रही थी उनकी राजनीति अचानक से बदल गई है। अब मंडल वाले कमंडल को गले लगा रहे हैं और कमंडल वाले मंडल को गले लगा रहे हैं कि आ भाई हमें हमारा आपका कोई विरोध नहीं है, हम सब मिल करके अब राजनीति करेंगे, और सब मिल करके व्यक्ति के जो लाइन में लगे हुए हैं पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। और ये सिलसिला 75 साल से चल रहा है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की जद्दोजहद चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती क्यों नहीं है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। 41 लैब टेस्ट वाले 60 मोबाइल वैन की मदद से 14 नगर निगमों में लगे 13,850 कैंप। 1,20,000 से ज्यादा को मिली मुफ्त लैब टेस्ट सुविधा। हाट बाजार क्लिनिक से समाज के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की अभिनव पहल से सुदूर वनांचल के 90 लाख से ज्यादा मरीज लाभान्वित। 1600 से ज्यादा हाट बाजार क्लिनिकों से अब तक 8 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज। छत्तीसगढ़ हेल्थ मॉडल के मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान को UNDP और नीति आयोग से मिली सराहना। बीजापुर में मलेरिया के केस 71% और दंतेवाड़ा में 54% हुए कम। मई 2020 और मई 2021 के बीच मामलों में आई 39% की कमी। नीति आयोग ने बताया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहे बेहतरीन अभियानों में से एक। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना, दोनों के अलग है रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। तक धुम दा 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट धुम 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 तक धुम 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट धुम धुम तक धुम धुम तक इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट ओ डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। जुबाई के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, और सभी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं।
और मैं सभी अपने मेहमानों को मौका दूंगा एक दूसरे से सवाल जवाब करने का, लेकिन उससे पहले जनता से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनको जान लेना बहुत जरूरी है। सीधे जावेद साहब का रुख करेंगे। जावेद साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सेकुलरिज्म कहाँ चला गया? आपकी पार्टी जिस सेकुलरिज्म का ढिंढोरा पीटा करती थी, वो सेकुलरिज्म आजकल कहीं नजर नहीं आ रहा है। देखिए ये प्रदीप जी, सेकुलरिज्म जो है कोई चिल्लाने का विषय नहीं होता, राष्ट्रवाद कोई चिल्लाने का विषय नहीं होता, ये सब चीजें भावनाओं से जुड़ी हैं। और भारत जो है अपने सनातन जो परंपरा है, ये सनातन काल से भारत नहीं, नहीं, ठीक बात है कि ये कोई दिखाने का मामला नहीं होता है, लेकिन आप लोग उसके पहले सेकुलरिज्म दिखा रहे थे ना कि आप हमें बहुत सेकुलर हैं, आप धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अब तो आप भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। प्रदीप जी, मैं आपकी बात को बहुत विनम्रता से आपके प्रश्न का उत्तर नहीं, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, मैं उत्तर देने की हैसियत में नहीं हूं आपको। देखिए धर्म जो है दो चीजें भारत के लिए, अरे नहीं आप जवाब देने की क्यों, आप जवाब दे नहीं, सकते नहीं, मैं जवाब आप नहीं, मेरी बात काट सकते हैं, आप प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, मैं जहां पर वो सवाल आएगा कि भारत के लिए देखिए दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये हमारे डीएनए का हिस्सा है, हमारे देखिए धर्म, जातियां और हमारी सनातन परंपराएं, ये किसी चीज का इसका जो है नारा लगाने का कभी विषय नहीं रहा है। भारत जो है धार्मिक आस्थाओं का देश है, जातियां हैं, जातियां सच्चाई। जावेद साहब आपकी बात ठीक है, मैंने आपको पूरा मौका भी दिया। अब सवाल ये है कि जो पार्टी 2014 से पहले तक सेकुलरिज्म का रट्टा लगाती थी, क्या अब उसको ये एहसास हो गया है कि बिना कमंडल को गले लगाए राजनीति संभव नहीं है? नहीं देखिए आप इसको प्रदीप जी, मैं इसको इस तरीके से, क्या इंदिरा जी मंदिर नहीं जाती थी, क्या इंदिरा जी दरगाहों पे नहीं जाती थी, राजीव जी नहीं गए? लेकिन ये उस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक प्रचार तंत्र के माध्यम से जिस तरीके का एक वातावरण निर्मित किया है, एक नैरेटिव सेट किया है, ये बताने का उसने प्रयास किया कि धार्मिक हम ही है और बाकी सब विधर्मी या अधर्मी लोग हैं, तो ये इसलिए ये विषय आया है। इंदिरा जी रुद्राज की माला, इसीलिए आप मजबूर होकर के आपको इधर आना पड़ा। नहीं, मजबूर नहीं हुए, आज वो चर्चा का विषय तत्काल बन जाता है। आज सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कि प्रियंका जी मंदिर गई या राहुल जी गए, तो तत्काल चर्चा का विषय बन जाता है। हम कैमरा टीम लेके नहीं जाते, 2014 से पहले नहीं जाते थे ना? आप प्रदीप जी, जिस तरीके से लगातार एक हमला किया जाता है दूसरे को अधर्मी और विधर्मी बताने का, यही तो इस देश को खोखला कर रहा है। इस देश में अब ये सर्टिफिकेट देंगे आरएसएस? नहीं नहीं जावेद भाई, जावेद जी, इसमें कमंडल को गले लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मंडल को गले लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मर्ज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत स्वीकार करने में है। स्वीकार कर लीजिए कि हाँ मंडल और कमंडल की राजनीति का संगम हो गया है अब। नहीं, आप ये संगम वो लोग बना रहे हैं जो लोग जो है इसका एक बनावटी मुखौटा लेकर आए, जो लोग कमंडल के भी विरोधी रहे और मंडल के भी विरोधी रहे। आप बताइए, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है, इनके एक बड़े नेता थे, स्वर्गीय है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, और राष्ट्रीय नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ काल से। उन्होंने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के लिए एक शब्द कहा था कि 26 साल इस व्यक्ति को के निर्माण में लगे हैं और 36 वर्षों तक इसकी बिरादरी का वोट हम लेंगे। ये इस तरीके की घृणित मानसिकता वाले लोग हैं कि ये इनका मुखौटा रहता है, ये मुखौटे बदल बदल कर राजनीति में आते हैं उसी तरीके से कि हम क्या करें क्या ना करें। इनका कोई देखे, एक बात मैं कह रहा हूँ प्रदीप जी की, इनके आपने भी कहा कि आ रहा हूं जावेद साहब, समय कम है, पूरा मौका दिया आपको। कपिल जी, आपने भी कहा कि आप जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते, मेरा आपसे इस पर एतराज है। कोई आपकी पार्टी तो मंडल से निकली हुई पार्टी है, फिर आप जाति की राजनीति क्यों नहीं करते? प्रदीप जी, मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मंडल के चश्मे से मत देखें, आप उन वंचितों को हक दिलाने के चश्मे से देखें। और क्या मंडल जिन पे लागू हुआ, क्या वो सनातनी नहीं थे? क्या आप उनको हिंदू धर्म में नहीं मानते? हिंदू
जीवन शैली के अंदर नहीं मानते, क्या सनातनी नहीं मानते? आप हमें एक बात बताइए कि क्या ये भारत देश धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है? धर्म सापेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, इसमें भारी अंतर होता है। और जो लोग नहीं कर पाते हैं, नहीं, जब ये भारत धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है तो अब कमंडल की राजनीति क्यों? प्रदीप जी, मैं यही तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारा देश भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष है लेकिन धर्म सापेक्ष है। कपीश श्रीवास्तव ने जो है वो सनातनी परंपरा छोड़ दी है, या हमारे अखिलेश यादव जी ने छोड़ दी, या मुलायम सिंह जी ने छोड़ दी, या प्रियंका गांधी या राहुल गांधी जी ने छोड़ दी, या लालू यादव ने छोड़ दी, या बात यहाँ पर तोड़ने की नहीं हो रही, बात यहाँ पर मिलन की हो रही। कपीश जी, जो पार्टी पहले मंडल की राजनीति करती थी वो अब कमंडल की भी राजनीति कर रही है। आप भी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, आप भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये तो दोनों का मिलन हुआ ना, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इसको इस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, इसमें बुराई थी ही नहीं, और ये हम लोग शुरू से कर रहे हैं। क्या हमसे सनातन धर्म का कोई मोहर लगवाने की जरूरत है कि कपीश श्रीवास्तव सनातनी है कि नहीं है, मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे कब हमने मंदिर जाना छोड़ दिया था भाई? चक्कर तो ये है कि हम अगर सहिष्णु हैं, हम दूसरे धर्म को भी आत्मसात करके लेकर के लोगों को चलना चाहते, वैमनस्यता नहीं करना चाहते, तो उसको किस चश्मे से देखा जाए? हम तो आज भी कहते हैं कि हम किसी भी धर्म की बुराई नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने धर्म की बुराई कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति प्रतीक के रूप में हमें अपने धर्म की बुराई करने की बात ही नहीं, और धर्म को गले लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत स्वीकार करने में है। स्वीकार कर लीजिए, आ रहा हूं कृष्ण मोहन जी, स्वीकार कर लीजिए कपीश जी की, हाँ मंडल और कमंडल का मेल हो गया है। मैं तो घालमेल भी नहीं कह रहा हूं। प्रदीप जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने जो आज उठाया है टॉपिक, इसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं आपको कह रहा हूं कि कब हम प्रभु राम के नहीं थे, कब हम हमारे प्रभु राम नहीं थे, या एकम अहम बहुश्यामि कब हम नहीं थे कि एक ही ईश्वर है उसको हम देवी जी नाम से पुकारते हैं? तो हमारी तो सनातनी परंपरा ही इसी बात की रही है कि इति श्रेष्ठम धर्म आधारित। तो समाजवादी पार्टी से लेकर के हमारे हिंदुस्तान की ज्यादातर पार्टियों ने यही तो किया है, इसमें मंडल और कमंडल कहां से आ गया? बात इस चीज की है कि अगर आप वंचितों और शोषित की लड़ाई लड़ने का काम किए तो उसको मंडल की नजर से ना देखें, उसे शोषित और वंचित समाज की लड़ाई से लगाकर देखना चाहिए, जो कि सनातनी धर्म के हिस्सा है। बात रख सकते हैं, आप कुछ कह रहे हैं, जिसमें जो है भारतीय जनता, ठीक है कपीश जी, बात हो गई आपकी, समय भी कम है। वंशराज दुबे जी, देखिए प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, सबसे पहले तो ये सत्ता लोभी लोग हैं। आपने एक फर्क पूछा था कि आम आदमी पार्टी भी अब मंदिर जा रही है या दर्शन कर रही है। दरअसल बहुत बड़ा फर्क मैं बता रहा था, मैंने बताया कि भाजपा का मंडल और कमंडल क्या था या उनका वास्तविकता क्या है मंडल और कमंडल से। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में हम लोग तिरंगा संकल्प यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम सब लोग यह संकल्प लेते हैं कि आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हीरक जयंती के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और आज तक उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो पिछड़े समाज से लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, उनका भला नहीं हो पाया इस देश में, इस प्रदेश में। सांसदों के, विधायकों के बड़े बड़े मकान तो बन गए लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल नहीं ठीक हुआ। मैं यही तो कह रहा हूँ ना वंशराज जी, मैं यही कह रहा हूँ, आप तो चिकित्सा की बात कर रहे थे, शिक्षा की बात कर रहे थे, अच्छी शिक्षा की बात कर रहे थे, और आप भी अचानक से कमंडल की राजनीति में आ गए। बहुत बड़ा अंतर है, मैं बताता रहा हूँ। देखिए हम लोग प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग हैं। राम राज क्या था प्रदीप जी? राम राज यही था कि प्रभु श्री राम जी के नगर में जो उनके नगरवासी थे, जो भी उनके नगरवासी थे, वो हर किसी भी बिरादरी का आदमी हो, किसी भी समाज का हो, हर समाज उनकी राज में खुशी था, सुखी था, वही तो राम राज था। आज दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जो मॉडल बिजली फ्री करने की बात करता है, चिकित्सा फ्री करने की बात करता है, महिलाओं की बस की यात्रा फ्री करने की बात करता है, वो किसी एक जाति धर्म के फायदे की बात नहीं करता, हर धर्म उसमें लाभान्वित होता है। दूसरा ये लोग देखिए, ये लोग लेते चले, कृष्णमोहन पांडे जी आप जवाब दे दीजिए। वंशराज दुबे जी कह रहे हैं कि आपका कमंडल और मैं इनके कमंडल में बहुत अंतर है। कृष्णमोहन पांडे जी,
देखो आ गया। कृष्ण मोहन पांडे जी, जी जी बताएं जी, मैं दोस्त सुन नहीं पाया क्वेश्चन, जरा फिर एक बार पूछिए। कृष्ण मोहन पांडे जी, वंशराज दुबे जी कह रहे हैं कि आपके कमंडल से इनका कमंडल का अंतर बहुत है, इनका कमंडल बेहतर, आपका कमंडल अच्छा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका कमंडल वास्तव में अलग है कि जब दिल्ली में किसी हिंदू बच्चे की हत्या होती है तो ये उसके घर तक नहीं जाते हैं, और किसी मुस्लिम घर के बच्चे की हत्या होती है तो उसके घर तक जाते हैं, उसको 1 करोड़ रुपया भी देते हैं। जब दो लोगों की हत्या होती है, एक डॉक्टर, एक उदाहरण दिखाओ, एक उदाहरण दिखाओ, एक उदाहरण दिखाओ, आम आदमी पार्टी नारा देती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक उदाहरण दिखाओ, आप चैनल पर बैठ के आप झूठ बोलते हो। ये इनका मुखौटा है, और दूसरा इनका जो विकास मॉडल है, झूठ बोलने का काम बंद करिए पांडे जी, झूठ बोलने का काम बंद करिए, जनता आपके मुखौटों के पहचान चुकी है। आप लोग वो लोग हो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला करवाते हो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आपके मुंह पे तमाचा मारता है तब पर भी आपकी आंखें नहीं खुलती, इसी राजधानी लखनऊ में आरक्षण के नाम पे नौजवानों के ऊपर लाठियां चलवाने का काम करते हो, और आप कमंडल और मंडल की बात करते हो, आपका चेहरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता जानती है। मजदूर कहते हुए मिलते थे, टोपी लगा के मिलते थे, लेकिन कभी ये राम मंदिर की बात नहीं करते थे। ये सारे वो लोग वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम काल्पनिक थे, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है, और ये सारे राम का नाम आप मत लीजिए अपने मुख से। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जिन्होंने चंदा चोरी करने का काम किया, 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में बेच दिया, वो लोग नाम लेंगे तो बड़ी तकलीफ होती है। माफ करिएगा, आपके मुंह से राम का नाम अच्छा नहीं लगता। आदरणीय मुलायम सिंह जी, राम भक्त है आप, फर्जी राम भक्त है, भक्तों पर गोली चलवाई, राम भक्तों पर प्रताड़नाएं दी, अब ये बड़ी बात है भाई, फर्जी राम भक्त है, यहाँ के वहां पे दर्शन करे और दर्शन करके अपने पाप धुल ले, अभी भी समय है। तो देख रहे आप मंदिर के दर्शन करके पाप धुल लीजिए। देखिए पहली चीज तो प्रदीप जी, पहली चीज तो देखिए, प्रभु श्री राम भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट नहीं है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप तो तमाम आपके तमाम दर्शकों को बता दूं कि ये न राष्ट्र के है न राम के है, ये न राम के है न आम के है। पहली चीज, ये मौका परस्त लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि जो पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती है ये उसके साथ सरकार बना लेते हैं जम्मू कश्मीर में, ये वो लोग हैं जो रक्षा सौदे में जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो दलाली खाते हुए पकड़ा जाता है, ये वो लोग हैं जो कोरोना के समय इसी उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी में ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर वेंटिलेटर घोटाला करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो फोटो पहचान रहे हैं, जल शक्ति मिशन के नाम पर घोटाला करते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री जी इनके घोटाला करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम पर भटकाने वाले लोग हैं, सत्ता के लोभी लोग हैं, जनता इनके चेहरे को पहचान चुकी है। और मैं तो आपकी तरफ से गुजारिश करता हूं, पूछिए दो सवाल इनसे कि पहले तो राम जी के नाम पर इन्होंने चंदा चोरी क्यों किया, दूसरा चंदे के मामला सब तमाम लोगों के सामने आया, दूसरा कुंभ के मेले में जो सीए जी ने रिपोर्ट लगाई है, कुंभ का मेला तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उस मेले के नाम पर भी इन्होंने कैसे घोटाला कर दिया, सवाल का जवाब दे, ये जवाब नहीं दे सकते क्योंकि फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदार है ये लोग। ठीक है कृष्ण मोहन जी, पूरा मौका दिया आपको मैंने जवाब देने का, वंशराज जी आपको भी पूरा मौका दिया, आ रहा हूँ कृष्ण मोहन पांडे जी मैं आपके पास आऊंगा, रमेश ठाकुर जी के पास चल रहा हूँ निष्पक्ष कमेंट के लिए। रमेश ठाकुर जी, आपने पूरी बात सुनी, आपको भी शायद कुछ सवाल पूछने हैं कृष्ण मोहन जी से। आपने कहा कि जो पार्टी गाय गोबर और मंदिर की बात करती थी वो अब उसकी बात नहीं कर रही, आप अपनी बात सीधे कृष्ण मोहन पांडे से पूछ सकते हैं। नहीं, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, चुनाव आएगा उसमें जनता खुद ही पूछ लेगी। मुझे सबसे हैरानगी ये होती है कि 21वीं सदी में भी अगर कोई प्रदेश का चुनाव राम रहीम मंडल कमंडल इस पे अगर होता है तो फिर एक कॉमन मैन पीपल उनकी आवाज। इधर कपिल जी लगातार फोटो दिखा रहे हैं, अभी अभी टोपी पहने हुए राजनाथ सिंह और कपिल जी लगातार ये फोटो वायरल कर रहे हैं, हमारे चैनल पे ही वायरल कर रहे हैं। कपिल जी देख लिया भाई, हम सब लोगों ने फोटो देख लिया, आप वापस डिबेट में आ जाइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ प्रदीप भाई, इन फोटोग्राफ जी रमेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, इन फोटोग्राफ दिखाने से कोई कोई फायदा नहीं है, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। भला होगा जिसका इन्होंने अभी जिक्र करा, अभी सारे लोगों ने कहा कि वंचित के लिए और दबे कुचले लोगों के गरीबों के लिए राजनीति होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रही है। अब इनसे एक वंचित आदमी क्या चाहिए, वो ये चाहता कि रोटी कपड़ा मकान उसको मिल जाए, उसकी जीवन
निर्वाह हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। अब 2017 से लेके अब तक अगर पूरा आप देखो, एक कॉमनवेल्थ की बात कर रहा हूं मैं, जिसपे राजनीति, मुकम्मल राजनीति होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, मुद्दा होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। पेट्रोल 2017 में क्या था, 62% उसके ऊपर और वृद्धि हो गई, डीजल में 58%, रसोई गैस में 118%, दालों में 220 रुपए। रमेश जी, हम आज महंगाई पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मंडल और कमंडल के घालमेल की, कि कैसे दोनों में मेल हो गया है। अब जो कभी दोनों दोनों के बीच में जो 36 का आंकड़ा था, अब 63 का आंकड़ा हो गया है। प्रदीप जी, मैं उसी पे रेलिवेंट कर रहा हूँ। मैंने कहा मंडल कमंडल की अब जरूरत कहाँ पड़ी, क्यों जरूरत इनको आन पड़ी, जरूरत इसलिए आ गई कि वो मुद्दा विहीन हो गए हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जाए, चाहे दूसरी पार्टी हो जाए, उनके पास मुद्दों का अकाल है, क्योंकि मुद्दे जो है उनको वो छूना नहीं चाहते। एक मुद्दा, एक वंचित समाज की बात करी, अब उत्तर प्रदेश में तो कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने आप को बड़ी जातियां कहती थी, अब उनसे रोजगार भी छिन गया, उनके पास सहूलियत की कोई चीज नहीं है, वो SC ST का दर्जा मांग रहे हैं। कई स्थितियां तो ऐसी आ गई, जो लोग कभी आरक्षण की बात करते थे कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो आरक्षण की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है आने वाला वक्त है सभी पार्टियों के लिए सोचने पे मजबूर करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो गई। ये आपने अच्छी बात कही कि जो कल तक आरक्षण का विरोध कर रहे थे, वो खुद ही आरक्षण पा करके अब मस्त हो गए, 10% EWS मिल गया। करेंगे क्या, वो कहते ना मरता क्या ना मरता, और भी डिमांड है, पेट भरने के लिए उसको खाना तो चाहिए। हाँ, जब रोजगार है नहीं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे फिर, वही मांगेंगे, नहीं तो करेंगे फिर चोरी चपारी हो जाएगी। अब जब लॉन ऑर्डर की बात करी है, मौजूदा सरकार की लॉन ऑर्डर को अच्छा बहुत अच्छी रमेश जी, लेकिन आप आपने आपने एक शुरुआती कमेंट किया था कि जी रमेश जी आपने एक शुरुआती कमेंट किया था कि जो पार्टी गाय गोबर और मंदिर की राजनीति करती थी, वो क्या सवाल था, आप सीधे कृष्ण मोहन पांडे जी से सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, एक सवाल का मेरा जवाब नहीं दे पाएंगे प्रदीप भाई, मैं एक भी अगर सवाल करूं तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। कोविड मैनेजमेंट, ये जो 3-4-7-8 महीने की जो चीजें हुई है, जिसको एक आम आदमी टच करता है, जिस एक आम आदमी कोई भी हो उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, उस आम आदमी का वो स्पेस रहा ही नहीं, ठीक है, वो जुड़ा उसके ठीक पास है, रमेश जी, चीजें पहुंची नहीं। समय कम है हमारे पास में, हम फाइनल कमेंट लेते हैं 20 सेकंड में, जल्दी से। रमेश जी माफ करिएगा, समय इतना ही है। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका फाइनल कमेंट 20 सेकंड आपके पास में। इसमें कोई बुराई नहीं है, मंडल और कमंडल का अगर मिलन होता है, 36 का आंकड़ा अगर चेंज होकर के 63 में बदलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, प्यार मोहब्बत तो होना ही चाहिए। मैं खुल के आपको बता दूं कि कभी हम न कमंडल के विरोधी थे और न ही हमारा कमंडल के की व्यवस्थाओं को कभी विपरीत लेके चले। कमंडल की बात है, भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक है, उनके लिए हम लड़ेंगे और जीवन भर लड़े और मंदिर बना, ये हमारे गर्व का विषय है। दूसरी बात मंडल की, तो मंडल के लोग वो हमारे अपने हैं। चलिए ठीक है, जावेद साहब से फाइनल कमेंट लगते रहेंगे, उनके जो भी अधिकार ठीक है। कृष्ण मोहन जी, समय कम है हमारे पास, इजाजत नहीं दे रहा समय मुझे। जी जावेद जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए प्रदीप जी, बहुत स्पष्ट बात है, कृष्ण मोहन जी माफ करिएगा, समय इतना ही है हमारे पास। ये लोग जो है, आप देखिए, दो दोहरा चरित्र इनका सदैव रहे हैं। समय नहीं है आपका, समय समाप्त हो गया जी। एक इनके मंत्री हैं वर्तमान, रख लीजिए जल्दी से जी। एक इनके, ये देखिए, ये सत्ता के लिए क्या करते हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं। एक इनके सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने एक समय कहा था जब वो भाजपा में नहीं थे कि ये गोबर के गौरी गणेश हैं, तब भाजपा सड़कों पर थी, कितनी FIR लिखाई। लेकिन राजनीति के लिए, सत्ता के लिए आज वो सरकार में मंत्री हैं, एक केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, तो ये कमंडल का विरोध भी करने लगा है। ठीक है जावेद साहब, कपीश जी समय में मंत्री है, जावेद साहब समय इजाजत नहीं दे रहा, प्लीज कपीश साहब आपका फाइनल कमेंट। इनके चेयरमैन को अपना चेयरमैन मानते थे और अब वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार में मंत्री है। ठीक है, ठीक है जावेद जी, बात हो गई आपकी। कपीश जी अपनी बात रख सकते हैं आप। कि मंडल और कमंडल का समायोजन पहले ही था, लेकिन इसको एक बात में लोगों ने कह दिया, लेकिन हकीकत यही है कि समाजवादी पार्टी समेत जो अन्य भी हमारे पार्टियां हैं, केवल एक भाजपा को अगर आप छोड़ दीजिए, तो इन्होंने तो केवल छलने का काम किया, बाकी ने सबको सब साथ लेकर के चलाया। मैं इसलिए विरोध नहीं कर सकता जावेद भाई का कि उनकी पार्टी को मैं कह दूं, लेकिन हकीकत यह सही है कि जो हमारे KMP साहब बैठे हुए हैं, ये जिस अंत्योदय की बात करते हैं,
ये 10 पन्ना बता नहीं पाएंगे कि क्या टूट रहा है इनका स्वतंत्रता आंदोलन में, और यह स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो हमारी सरकारें थी जिसने विश्व स्तर पे भारत को खड़ा किया। तो हकीकत यही है, ये लोग दूसरों की। कपीश जी कह रहे हैं कि मंडल और कमंडल का समायोजन कोई गलत बात नहीं है। जी देखिए, पहली चीज तो है कि तीन रिपोर्ट के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। जी एक रिपोर्ट आई, देखिए एनसीआरबी का ये आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में दलितों और आदिवासियों में सबसे टॉप पर है अपहरण, कितना ज्यादा उनके साथ अपराध हुआ है। जी पहला ये तो है एनसीआरबी का डाटा। उसके छोड़ दीजिए, नीति आयोग का डाटा है छोड़ दीजिए कि शिक्षा के मामले में, मैं अपनी बात को करेक्ट करता हूँ जिससे कि नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सबसे फिसड्डी राज्यों में है कि शिक्षा के मामले में, और सबसे ज्यादा है कि इतनी चिंताजनक है कि देश में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आम आदमी पार्टी मानती है, आम आदमी पार्टी मानती है कि हर वर्ग को सम्मान तब मिलेगा जब हम फ्री बिजली की बात करते हैं तो हर वर्ग की बात करते हैं, जो भी बुनियादी समस्याओं को सुधारने की बात करते हैं तो हर वर्ग की बात करते हैं, चाहे मंडल को मांगने वाला हो चाहे कमंडल को मांगने वाला हो। आम आदमी पार्टी की सोच उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के साथ है, हर वर्ग के साथ में। ठीक है रमेश जी, बहुत संक्षिप्त में आपका फाइनल कमेंट, समय नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लग रहा है प्रदीप जी ये वाला जो चुनाव है 2022 का, वो बहुत कुछ कई पार्टियों के लिए बंद गली का आखिरी मकान साबित होने वाला है, क्योंकि आप कितना भी कुछ कह लो एक आम आदमी को इस बार क्या करना है, मुझे लग रहा मन बनाए बैठे हैं, वोटर बहुत साइलेंट है, कि मुझे लग रहा इस बार का जो परिणाम होगा हम आपके जो भी हम लोग अनुमान लगाए उससे बिल्कुल अलग होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिर में सारी राजनीतिक पार्टियों ने मान लिया है कि मंडल और कमंडल का समायोजन हो रहा है। कल तक जो 36 के आंकड़े में थी मंडल और कमंडल, वो अब 63 बन गए हैं, यानी कि दोनों आमने सामने आ गए हैं, दोनों गले मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, ये अच्छी बात है, समावेशी राजनीति हो रही है, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। मंडल मानने वाले कमंडल की ओर जा रहे हैं और कमंडल की राजनीति करने वाले मंडल वालों को गले लगा रहे हैं, इससे बढ़िया राजनीति और क्या हो सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखिएगा के न्यूज। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आप अगला कार्यक्रम हमारा देखिएगा, हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ में मंथन कार्यक्रम, जिसमें राजनीतिक खबरों का मंथन किया जाएगा, वो कार्यक्रम आप देखना ना भूलिए। दुर्गेंद्र जी